रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेइंग दीज वर्ड्स अलाउड, इन अल्फाज की प्रैक्टिस करें और ऊंचा बोलें। बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि लॉन्ग वॉवल्स हैव अ साउंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज द लेटर एक्चुअली साउंड्स। लॉन्ग वॉवल की आवाज़ बिल्कुल उनके नाम जैसी होती है। जैसे मेरे साथ प्रैक्टिस करें, रेन, रेन, बारिश को इंग्लिश में कहते हैं रेन। आप देखें कि इसमें एक ही साउंड आ रही है, रेन। जैसे हम अल्फाबेट ए बोलते हैं, इसी तरह ये है बेबी, तो इसमें भी ब ए और बी, बेबी। बच्चे को, छोटे बच्चे को इंग्लिश में बेबी कहते हैं, और इसमें भी लॉन्ग वॉवल ए साउंड है। फिर ये है डे, दिन जब निकलता है, सूरज चमक रहा होता है, तो उसको कहते हैं डे। तो डे में भी लॉन्ग वॉवल साउंड है, डे। ये है ट्री, दरख्त को इंग्लिश में बोलते हैं ट्री। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ट्री में भी लॉन्ग वॉवल साउंड है, ई की साउंड आती है एंड में, ट्री। और ये है पत्ता, लीफ, आप देखें ई, लीफ, इसमें भी ई की लॉन्ग वॉवल साउंड है, लीफ, लीफ। फिर ये है पहिए को इंग्लिश में कहते हैं व्हील, अब व्हील में भी ई की लॉन्ग वॉवल साउंड है, व्हील, व्हील। ये है काइट, इसमें देखें पतंग को इंग्लिश में कहते हैं काइट, इसमें भी आई की लॉन्ग वॉवल साउंड है, काइट, काइट। और ये है नाइन, आप देखें इसमें भी आई बोलते हैं, नाइन, नाइन, तो इसमें आई की लॉन्ग वॉवल साउंड है। ये है लाइट, आप देखें लाइट में भी लॉन्ग वॉवल साउंड आई है, लाइट, रोशनी को लाइट कहते हैं, लाइट। जो हमारी पाँव की उंगलियां होती हैं उनको इंग्लिश में टो कहते हैं, टो, इसमें भी ओ की एंड में साउंड है, टो, लॉन्ग वॉवल साउंड है, टो। और ये है बोट, आप देखें कि इसमें भी किश्ती को बोट कहते हैं, और बोट में भी ओ की साउंड है, बोट, ओ वॉवल साउंड है, बोट। और ये है गुलाब का फूल, इसको कहते हैं रोज, और इसमें भी लॉन्ग वॉवल साउंड है, रोज, रोज। और ये है ट्यूब, अब इसमें यू की साउंड है, यू लॉन्ग वॉवल साउंड है, ट्यूब, ट्यूब, ट्यूब। और कोई चीज हमें भली लग रही हो तो हम कहते हैं क्यूट, इसमें भी लॉन्ग वॉवल साउंड है यू की, क्यूट, क्यूट। ये है यूनिफॉर्म, बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो यू, यूनिफॉर्म, तो यू इज अ लॉन्ग वॉवल साउंड, यूनिफॉर्म। और इसी तरह ये है कंप्यूटर, तो इसमें भी कंप्यूटर, यूटर, यू की लॉन्ग वॉवल साउंड है, कंप्यूटर, कंप्यूटर। अब हमने आइडेंटिफाई लॉन्ग वॉवल साउंड्स, अब हम पहचान करेंगे कि ये लॉन्ग वॉवल साउंड है या शॉर्ट वॉवल साउंड है। तो प्यारे बच्चों, ये भी बहुत हिम्मत की बात है कि अपने आप को पहचानना। वन ऑफ द मोस्ट करेजियस थिंग्स यू कैन डू इज आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, मेरा ईमान क्या है और मुझे जाना कहाँ है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में कहते हैं, याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा यकीनन मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा। और फिर सूरह हज में अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ने मुसख़्खर की हुई हैं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया
तो उसके लिए सारी चीज़ें यूनिवर्स पहले बनाई, कायनात बनाई, और फिर अल्लाह ने उसका मकसद भी बता दिया कि नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों इंस को मगर इस घर से कि मेरी इबादत करें। अब 24 घंटे हम इबादत कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम जो हमें कॉन्सेप्ट देता है खाना पीना सोना जागना जितने भी हम ज़िंदगी के 24 घंटे में काम करते हैं, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर करें तो वो इबादत है। अलामा इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे काम किया वो पढ़ें। फिर अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहता है, और वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी फिर मौत देता है फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। तो हमें पता है कि कुछ लोग बुढ़ापे तक जाते हैं, कुछ किस जवानी में मर जाते हैं, कुछ बचपन में मर जाते हैं। प्यारे बच्चों, कुरान जीत पढ़ा करो ऐसी ज़बान में जिसकी समझ आती हो, क्योंकि ये क़्यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सफारशी बनकर आएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हमें बताता है कि हमें ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। कि अब आप देखें, गौर करें, की में कौन सी वावल साउंड है, गुड शाबाश, की में लॉन्ग वावल साउंड है, वेरी गुड। अब उसके बाद अगला वर्ड है फॉक्स, लूमड़ी को इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं। अब बताएं ये कौन सी साउंड है, गुड शाबाश, ये शॉर्ट वावल साउंड है फॉक्स, क्योंकि ओ नहीं आता इसमें फॉक्स। फिर ये है केक, तो इसमें कौन सी वावल साउंड है, शाबाश, गुड केक, तो इसमें ए की साउंड आ रही है तो इसलिए ये लॉन्ग वावल साउंड है, वेरी गुड। और फिर ये क्या है, ये है ग्लू, जो चीज़ चिपकाने के लिए हम एडहेसिव इस्तेमाल करते हैं उसको ग्लू कहते हैं, इसमें यू की साउंड है तो ये लॉन्ग वावल साउंड है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसके बाद ये है सूट, तो इसमें भी आपने देखा सूट यू की साउंड है इसलिए हम इसको लॉन्ग वावल साउंड मार्क करेंगे। उसके बाद आगे है डॉग, तो डॉग कहते हैं कुत्ते को, और डॉग डॉग में भी शॉर्ट वावल साउंड है, वेरी गुड, आप तो बहुत तेज हो गए, डॉग डॉग। और ये क्या है, टॉय, तो खिलौने को टॉय कहते हैं, तो टॉय में भी शॉर्ट वावल साउंड है, टॉय। और ये क्या है, किसी चीज को रिबन को कपड़े को काटना कहते हैं कट, तो इसमें भी शॉर्ट वावल साउंड है कट, क्योंकि इसमें अल्फाबेट से साउंड डिफरेंट है। फिर है पीज, मटर को इंग्लिश में कहते हैं पीज, अब इसमें क्या है, ई की लॉन्ग वावल साउंड है, पीज पीज। ये है मैप, किसी भी नक्शे को मैप कहते हैं, पाकिस्तान का नक्शा है और इसमें भी शॉर्ट वावल साउंड है ए की मैप, क्योंकि ये अल्फाबेट से डिफरेंट है। फिर है बोल, प्याले को इंग्लिश में कहते हैं बोल, और इसमें क्या है, लॉन्ग वावल साउंड है बोल। इसी तरह राइड, सवारी करने को कहते हैं राइड, और जब भी आप मोटर बाइक पे राइड कर रहे हैं हेलमेट पहनना ना भूलें क्योंकि ये आपकी हिफाजत करता है, राइड आई की लॉन्ग वावल साउंड है राइड। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।